जो है ये आज हमारा 18वां दिन है यहाँ पर। हम 2017 में अपॉइंट हुए थे एक कैबिनेट ऑर्डर के ज़रिए में, जिसमें बाज़ाबता हमारा जो फिज़िकल टेस्ट लिया गया था, वॉकिंग टेस्ट लिया गया था, और रेफरी जंगलात जो है हमें अपॉइंट किया गया। बीएससी फॉरेस्ट्री की डिग्रियाँ हैं इन लड़कों के पास, हमारे पास जो जिन्होंने ये बरहबरी जंगलात में ज्वाइन किया, एमएससी है, डीडीआर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं। तो बाज़ाबता एक ऑर्डर के ज़रिए में पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर जो है 2017 में अपॉइंट हुए थे। उसके बाद बाज़ाबता हमने जो है अपनी सर्विसेज जो है बखूबी अंजाम दी है डिपार्टमेंट में। 2022 को हमारा ये टेन्योर पूरा हुआ है अगस्त में, तो अभी 6 महीने हो गए, लेकिन जो है अभी तक हमें रेगुलराइज नहीं किया गया है। तो हमारी जो है ये प्रोटेस्ट जो है ये पिछले 17 दिन से जारी है, लेकिन अभी तक जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो कानों में ये अभी तक बात नहीं गई है कि अगर 6 महीने इनके जो है पूरे हो चुके हैं, अब काफ़ी कितनी देर तक ये लोग जो है सर्वाइव करेंगे 5,000 पर, क्योंकि 5,000 हमारी सैलरी है। 5 साल तक जो है हम लेते रहे 5,000 के जरिए, एक उम्मीद से कि 5 साल पूरे होने के बाद जो है हमारी जो नौकरी है वो बाज़ाबता मुस्तकिल होकर जो हमारा भी जो फ्यूचर है वो आगे जो है हम घर परिवार भी चला पाए। जैसे कि बीजेपी ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, वो अपनी रिपोर्ट एलजी साहब के पास देने वाले हैं, आपको कितनी उम्मीद है उसके उस बोर्ड से? जी उम्मीद तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मसला जो है वो एक लीगल मसला है, एक बाज़ाबता एक कानूनी मसला है। कैबिनेट ऑर्डर है बाज़ाबता असेंबली में, उस वक्त में जो है पीडीपी और इन्हीं बीजेपी की जो है कोएलिशन सरकार थी, इन्हीं के दिग्गज नेताओं ने ये फैसला लिया कि इन जो अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है कैसे हम जो है एब्जॉर्व करें, और जिससे जो हमारे डिपार्टमेंट की भी जो कमी है डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की, और वो भी हो जाएगी, और इन बच्चों का भी जो है मुस्तकबिल हो जाएगा। तो उसमें जो है बाज़ाबता हम इनसे मिले हैं और इनके आश्वासन दिया है इन्होंने, और ये भी कहा कि हाँ आपका मसला लीगल है, बाज़ाबता ये जेन्युइन मसला है आपका, ऐसा नहीं है कि हाँ आपसे देरी होगी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम बाज़ाबता इन पर जो है दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जायज़ मसला है, आपके 5.5 साल हो गए, 5 साल होने थे, तो ये तो खुद ही होना था। तो हम बाउम्मीद हैं इस मसले से कि, और बहुत हम शुक्रगुजार हैं इनके भी जिस तरीके से इन्होंने हमें आश्वासन दिया और ये कि जो है आपका मसला जो है हम जल्दी हल करेंगे। जैसे कि बीजेपी ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एलजी साहब के पास देने जा रहे हैं, आपको कितनी उम्मीद है उससे कि आपका मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, पहले तो ये है कि हम एम्प्लॉयज़, कोई डिमांड नहीं है हमारी कि हमें कुछ दे दो या हमें ये कर दो। हमारा एक हक है, जो इन्होंने बखूबी आपको बताया कि हमारे 5 साल ख़त्म हुए, हमने अपनी सर्विस बहुत अच्छे से अंजाम दी 5 साल तक, उसके बाद ऑर्डर के हिसाब से इनको हमें रेगुलराइज करना चाहिए था अपने पोस्ट पे विद सर्टन मॉडिफिकेशंस। लेकिन 5 साल होने के बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बात वहाँ से उठाई नहीं, तब जाके बीजेपी की तरफ से एक उम्मीद मिली हमें, जो इन्होंने एक कमेटी बनाई, और कमेटी जो इन्हें बनाई कविंदर गुप्ता जी की अध्यक्षता में, उन्होंने हमें बाज़ाबता बुलाया, हमारी सारी बात सुनी, जो भी हम कहना चाहते थे वो ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ सुना। उसके बाद हमें यही एक उम्मीद है कि यहाँ से ये जाएंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके कानों तक ये बात नहीं पहुँच रही थी, ये शायद उनको जगाएंगे और उनको बोलेंगे। जो कमेटी बनी थी वो नवंबर में बनी थी, उन्होंने हमसे बात नवंबर में करी थी, हम उनके ऑफिस में आए, हमने उनसे बातचीत पूरे मेंबर्स के सामने, हमने अपना सारा पक्ष रख दिया, लेकिन अभी भी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एलजी साहब के ही अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है,
और एलजी साहब को ये सोचना चाहिए था कि हमें एक राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो हक दिया गया था एक बाज़ाब्ता कैबिनेट ऑर्डर के थ्रू, इन्होंने उस कैबिनेट ऑर्डर को अभी तक उस पर अमल क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने 5 साल दिए 5,000 की सैलरी पे सिर्फ इस उम्मीद से कि 5 साल के बाद हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, हमें एक पोस्ट मिलेगी, उस पोस्ट पे हम ऑलरेडी रेगुलराइज होंगे। रेगुलराइज तो हम हैं ही वैसे ही, क्योंकि हमारा एक एम्प्लॉय कोड भी है, सब कुछ जनरेट हो चुका है, लेकिन वही सैलरी है हम और हमें पोस्ट भी नहीं दिए गए हैं। वही उम्मीद है कि आज शायद कल जब मीटिंग हुई सेंटर में इनकी अमित शाह जी के साथ, तो उम्मीद एक है कि शायद ये एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे बीच एक पुल का काम करेंगे और हमारी जो जिनमन मांग है उसको पूरा करेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि 5,000 में शायद आगे हम सर्वाइव ना कर पाएँ।